हेलो, नमस्कार। एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए, इस वीडियो में आज मैं आपको राग मालकोंस में स्वर विस्तार कैसे करना है, उसको कैसे स्पीड में लाना है वो बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखें। और हमने जो स्केल लिया है वो बी लिया है, ये ठीक है। बी सा गा मा धा नी सा, सा नी धा मा गा सा। हमारे मालकोंस में पांच स्वर लगते हैं, आरोह में भी और अवरोह में भी। ठीक है, तो बिल्कुल स्लो से आपको उसको स्पीड तक ले जाना है। और इधर ये हमारा सा हुआ, नी धा, इधर आपको धा तक जाना है। और इधर आप, इधर भी आप धा तक जा सकते हैं अगर जाना चाहें, तो मा तक आपको जाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह हमारा ये विस्तार आएगा और किस तरह हमको इसको विस्तार करना है। जितना अच्छा आपको सुरों पे दौड़ना आएगा, उतनी अच्छी आपकी सुरों की पकड़ होगी। क्योंकि जब हम कोई गीत बजाते हैं, तो गीत बजाते वक्त हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम वहां खड़े होकर के किसी स्वर को सोचें कि अगला स्वर कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे माइंड में बहुत ही फास्ट हम जब सोचते हैं तभी उस स्वर को पकड़ पाते हैं। क्योंकि गीत एक मीटर में चलता है और उस मीटर को तैयार करने के लिए हमारे हाथ में अच्छी खासी स्पीड होनी चाहिए और सुरों को, सरगमों को बोलने की आदत होनी चाहिए। वो माइंड में होता है कि उनको हम फास्ट बोल सके। ठीक है, तो उस तरह आपको अपने आप को तैयार करना है। खूब सरगम का स्पीड बढ़ाएं और खूब प्रैक्टिस करें। जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया आपको बजाना आएगा। ठीक है, मैं इसको बी से बता रहा हूं, आप इसको सी से भी कर सकते हैं, सी शार्प से भी कर सकते हैं और ए से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं आप बी से ही करें। मैंने इसको बी से लिया है क्योंकि बी स्केल ऐसा होता है जिसमें मेल भी प्रैक्टिस कर लेते हैं और फीमेल भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये दोनों लोगों के लिए लगभग जो है मीडियम का स्केल होता है, इसीलिए हमने बी लिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह आपको प्रैक्टिस करनी। शुरू में आप पहले तो बिना ताल के करें और बिना ताल के पहले एक अच्छी खासी स्पीड बढ़ाएं। जब स्पीड आ जाए फिर आप उसको ताल के साथ करें। पहले तो उसको आप बिना हारमोनियम के आरोह अवरोह को अपने अच्छे से पक्का करें और उसके बाद बिना हारमोनियम सॉरी बिना ताल के भी कुछ प्रैक्टिस करें। ठीक है, सा गा मा धा मा धा नी धा मा धा मा गा मा गा सा, सा गा मा गा मा धा मा धा नी धा नी सा, नी सा गा सा नी सा नी धा नी धा मा धा नी धा नी सा नी सा नी धा नी धा मा धा मा गा मा गा सा। इस तरह बिना हारमोनियम के पहले प्रैक्टिस करें। ठीक है, और फिर अपना ताल लगा लें और ताल की स्पीड जो है ये अभी 180 पे है। जो अभी हमने आपको शुरू में गाकर दिखाया वो 180 थी। ठीक है, अब हमारी ये ताल जो है 100 पे है। 100 पे ताल लगा करके आपको अपनी सरगम को प्रैक्टिस करना है, फिर उसमें धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते रहना है। ठीक है, किस तरह प्रैक्टिस करना है आइए देखते हैं। Yeah.
तरह आप पहले शुरू में उसको प्रैक्टिस करें। सिंगल बीट सिंगल सरगम, ठीक है। जब वो एक आपका हाथ अच्छे से सुरों पे चलने लगे, और इधर जैसे हमने बताया था नी और धा तक हमें जाना, इधर मा तक आप जाएं, या अगर धापे जा पाए तो धापे भी जाए, नहीं तो मा तक ही जाए, धापे जाने की कोशिश ना करें भी। और उतने बीच में आपको अपने हाथ को स्पीड में लाना है। अब हम थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं इसकी, 100 थी अब हम करेंगे 120, लेकिन आप करना 110, आप 10-10 पॉइंट करके आगे बढ़ाना, ठीक है। ये 120 की स्पीड है। और अगर आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ी हुई है तो उसको आप 20-20 पॉइंट करके बढ़ाते रहिए। जैसे इतनी स्पीड में 120 में आपने गा लिया और आप अच्छे से यहां तक गा पा रहे हैं, फिर उसके बाद आप फिर 20% बढ़ा लीजिए। ऐसे करके धीरे धीरे आप उसको ले जाइए 200 तक। जब आप 200 पे पहुंच जाए तो ये प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी है 2-3 घंटे रोज, ठीक है। 1-2 वीक जितना आप कर सकें। अब आइए हम इसको 200 पे लगाते हैं। ये हमारी 200 की स्पीड है। 200 पे जब आप पहुंच जाएंगे तो इसको कंटिन्यू आपको कम से कम 1 वीक 200 पे ही बजाना है, आगे नहीं बढ़ना। क्योंकि जब एक अच्छी खासी स्पीड में पहुंचते हैं तो हाथ जल्दी दर्द करने लगता है, वहां पे आप जब इसको 1 वीक तक लगातार बजाएंगे फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका हाथ भी दर्द नहीं करेगा और एक अच्छी स्पीड आएगी, ठीक है। कंटिन्यू इसी तरह उसको लगातार बजाना है। अगर आपकी आवाज थक जाती है तो आप बजाना बंद मत कीजिए, आवाज को रोक लीजिए और जैसे आवाज नॉर्मल हो फिर बजाना शुरू कर दीजिए। लेकिन हाथ नहीं रुकना चाहिए, हाथ जब आपका लगातार चलेगा तभी हाथ में बैलेंस बनता है और तभी उसमें स्पीड आती है, ठीक है। और आधा घंटा 1 घंटा जितनी आपकी कैपेसिटी, अगर हाथ दर्द करने लगता है तो फिर आपको रुकना ही पड़ेगा, तो 5-10 मिनट रुकिए और उसके बाद फिर शुरू हो जाइए। और जब आप आवाज नहीं लगाएंगे तो आप ऊपर भी जा सकते हैं, यहां तक जा सकते हैं ऊपर भी, ठीक है, इधर नीचे भी, पूरी हारमोनियम पे भी बजा सकते हैं। और बजाना हमको ये है कम से कम 2 सप्तक में, इतने में तो आपका बजना ही चाहिए, क्योंकि गाने की जो रेंज होती है वो करीब 2 सप्तक में ही होती है। 2 सप्तक में अगर आपका हाथ अच्छे से दौड़ रहा है तो आप गाने को आराम से बजा सकते हैं। और स्पीड बढ़ाना बहुत जरूरी है। अभी ये हमारी सिंगल बीट चल रही है, इसके बाद हम डबल बीट पे भी करेंगे, लेकिन पहले सिंगल बीट पे ही आपको 200 पे पहुंचाना है। 200 पे जब पहुंच जाए फिर 250, 300, ठीक है, बराबर स्पीड बढ़ाते रहना है सिंगल बीट पे। जब आपकी 400 पे सिंगल बीट पहुंच जाएगी तो आपकी 200 ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी, ठीक है।
स्पीड बढ़ाता हूं। अब ये हमारी स्पीड हो गई 300, ठीक है। आपको बजाना है, आवाज भी लगानी है। ठीक है, इस तरह आपको इसको प्रैक्टिस करना है और स्पीड बढ़ानी है। खूब स्पीड बढ़ाइए, जितनी आप स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही अच्छा हाथ तैयार होगा। और ये खाली एक राग मालकोंस की ही बात नहीं है, जितने भी आपने राग किए हर राग में आपका विस्तार इसी तरह होना चाहिए। और अलग अलग स्केल में अगर आप उसको करेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हम ज्यादातर हमेशा सी शार्प से बजाते हैं, तो सी शार्प से तो आपका हाथ अच्छा तैयार हो जाता है, क्योंकि हाथ को सी शार्प वाली रीडें सारी दिखाई देने लगती है। लेकिन अगर वही अगर हम डी ले लें तो हमारा हाथ जो है फंसने लगता है, क्योंकि डी से हमने कभी बजाया नहीं तो कैसे बजेगा। इसलिए ए बी सी शार्प डी और डी शार्प 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्केल जो है कम से कम इनमें आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, बदल बदल करके। कभी ए से बजाया, कोई मान लो हमने राग एमल ले लिया, ए से ले लिया, राग भैरव ले लिया, बी से ले लिया, भैरवी सी से ले लिया, और दरबारी सी शार्प से ले लिया, ऐसे करके आप अलग अलग रागों को अलग अलग स्केल में बजाएं, आपका हाथ बहुत अच्छा तैयार होगा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक बिल्कुल 2 सब तक में हारमोनियम को आप पूरी हारमोनियम पे भी कर सकते हैं, पूरी हारमोनियम पे आवाज नहीं जाएगी, पर बिना आवाज के आप उसको बजा सकते हैं। आवाज जितने बीच में जाए उतने बीच में ही आवाज को प्रयोग करें, बाकी के सुरों पे खाली बजाएं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले राग के विस्तार के साथ, तब तक के लिए इसको खूब प्रैक्टिस करें। नमस्कार।